तो नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिख भी नहीं रहे हैं। हम नॉर्मल डिस्प्ले में देख रहे हैं, डिस्प्ले में जो दिख रहे हैं उसी में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी विनम्रता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कोशिश की है। कोटि-कोटि बधाइयां। आज गणतंत्र दिवस तो है ही, लेकिन आज बसंत पंचमी भी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। ये भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं दो दो बनाई तो भारत ने बनाई। अपने बरसी बांध का पानी टनल बन रही है सीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है विंध्यवासियों। बहुत जल्दी नागौर तक पानी पहुंचने वाला है। विदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है, और उसको पूरा कर कर हम चैन की सांस लेंगे। झांकी आ गई है। हमारे देश को आजाद कराने वाले वो प्रमुख क्रांतिकारी स्थापित हुए, और हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का निर्माण किया गया था। इसमें बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम राइज विद्यालय से ये झांकी आई हुई है, चंद्रयान मिशन चंद्रयान को दर्शाती हुई, बेहद खूबसूरत। ये झांकी सेना के द्वारा एक पुराने टैंक दिखाए जा रहे हैं, और मिसाइलें। इसमें डायनासोर दिखाया गया है कि डायनासोर का निर्माण किया जाएगा या फिर पहले थे वो दिखाया गया है। तो डायनासोर जितना पहले चले गए नहीं, हम लोगों का रहना संभव नहीं था। अब ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया जा रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का वध किया जाएगा। खेलो इंडिया साइकिल फिफ्थ, खेलो इंडिया, भारत की संस्कृति को दर्शाता हुआ लोक नृत्य, भारत की लोक नृत्य शैला, और क्या क्या ओहो, इसकी जो रचना है थीम है वो है लघु धान्य फसलें। क्या लोक नृत्य है, गजब। अब टाइगर रिजर्व चीता नेशनल पार्क को दर्शाता हुआ लघु धान्य फसलें, बाघ आधार कैसे बन सकती है, चीता सबको दिखाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की अगली झांकी तो एक तरफ मध्य प्रदेश की संस्कृति में कंडील दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ में सोलर पैनल। तो इसको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश काफी डेवलप की ओर जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर की स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंप हाउस मतलब जल विभाग है, जल परियोजना को दर्शाता हुआ तीरंदाजी साइकिल, गजब। अरे तीर मत छोड़िएगा, देखिए तीर धनुष, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को दिखाया जा रहा है जो हमारे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। रोड परियोजना, ट्रैफिक विभाग पर दिखाया जा रहा है। एक सैल्यूट है इन लोगों को जो कड़ी धूप में भी हमारी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट को दिखाया गया है, नली झांकी खत्म हो चुका है। अब क्या कार्यक्रम होगा अब हमें तो नहीं पता है, लेकिन बैठे हैं इस आशा में कि शायद कम से कम एक एक पार्ले जी बिस्किट मिल जाए। बहुत चक्कर व्यवहार है भैया, जाले का नाम नहीं ले रहे, कब से बोल रहे भैया धूप लग रहा छाव में चलो, बोलते हैं पार्ले जी बिस्कुट की शुरुआत यहीं से होगी, इसलिए लगातार यहीं पे खड़े हैं।
मध्य प्रदेश के स्कूल से आए हुए कुछ बच्चे सैपुरा हायर सेकेंडरी से, शिक्षा की व्यवस्था वास्तव में अभी मध्य प्रदेश की कैसी चल रही है, आपके स्कूल की व्यवस्था कैसी है, लाइट क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, कैसी है? पानी के लिए एक ही कूलर है, 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं और एक ही कूलर, एक ही कूलर तो बाहर से जाके पानी पीना पड़ता है, और क्लास में टीचर आते हैं तो अपने पढ़ा के चले जाते हैं, और जो अभी 6 माह हुआ था उसके पेपर में लगे, कहीं मैम आती ही नहीं है, सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट है, कभी भी छुट्टी ले लेते। क्या बात है भाई, सब प्राइवेट गेस्ट टीचर है और सब छुट्टी ले लेते हैं, तो मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है फिर बच्चों की सुनिए और शिक्षक की भर्ती कीजिए, काफी साल से शिक्षक संविदा भर्ती ड्रॉप होते जा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक चीज और, भैया समोसा के लिए रुके थे लेकिन इनको समोसा मिला नहीं, वहाँ के लालच देकर लाया गया था कि इनको समोसा खिलाएंगे, ले चलो ले चलो हमारे साथ। हाँ हम तो रुकते ही है भाई, हम तो यही करने आते हैं मध्य प्रदेश में।